हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे राधा बल्लवी। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, इसे आप बनाइए और अपने मनपसंद सब्जी या आलू की ग्रेवी वाली सब्जी के साथ खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दाल को पीस कर तैयार करेंगे। उड़द की दाल है 1 कप, जिसे हमने 2 घंटे पहले भिगो लिया था। दाल को हम मिक्सी के बर्तन में डालेंगे और पीसेंगे। आधा कप पानी डालेंगे और पीसेंगे। दाल को हमने अच्छे से पीस लिया है, आप देख सकते हैं दाल थोड़ी दरदरी है। अब इसमें हम 1 चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, सौंफ को हमने मिक्सी के बर्तन में डालकर पीस लिया था, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। फिर से हम इसे पीसेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए, हमने इसे फिर से पीस लिया है, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। इसी तरह से पीसना है, हमने हल्का दरदरा रखा है। आप चाहे तो बिल्कुल फाइन पेस्ट भी बना सकते हैं। अब इसे हम बोल में निकाल लेंगे। डो बनाने के लिए हम एक बड़े बॉल में 2 कप मैदा डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच चीनी डालेंगे, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, 2 बड़ा चम्मच तेल, 1 चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, पीसा हुआ दाल वाला पेस्ट 2 बड़ा चम्मच डालेंगे, 1/2 चम्मच करेंगे और ज़रूरत के अनुसार पानी डालकर डो बनाएंगे। डो तैयार है। इतना डो तैयार करने में हमने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। डो को हम ढककर 15 मिनट के लिए रखेंगे सेट होने के लिए। और डो इसी तरह का सॉफ्ट बनाना है, आप देख सकते हैं हमने सॉफ्ट डो तैयार किया है। जब तक हमारा डो सेट हो रहा है तब तक हम स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, 1 छोटी चम्मच कलौंजी डालेंगे, 1/4 चम्मच हींग, मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 2 बड़ा चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच सौंफ का पाउडर डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच चीनी, थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि दाल में भी हमने नमक डालकर पीसा था। अच्छे से मिक्स करेंगे और तेल अलग होने तक भूनेंगे, गैस की आंच को धीमी रखेंगे। देखिए, लगातार चलाते हुए हमने 2 मिनट तक पका लिया है और तेल अलग होने लगा है। अब इसमें हम पीसा हुआ उड़द दाल का पेस्ट डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस की आंच को धीमी रखेंगे और इसी तरह से हम लगातार चलाते हुए दाल का पानी सूखने तक पकाएंगे। देखिए, इसी तरह से हम चलाते रहेंगे कलर चेंज होने तक।
अब देख सकते हैं मिश्रण हमारा पूरी तरह से सूख गया है और मिश्रण का कलर भी चेंज हो गया है। इसे हमने इसी तरह से लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर अच्छे से पकाया है 10 मिनट तक। स्टफिंग हमारी तैयार है, अब हम गैस को बंद करेंगे और स्टफिंग को पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रखेंगे। पूरे 15 मिनट हो गए हैं, डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। डो को हम एक बार और गूथेंगे। डो को हम साइड में रखेंगे। स्टफिंग हमारी पूरी तरह से ठंडी हो गई है। डो में से हम थोड़ा सा डो लेंगे, इस तरह से हम एक छोटी लोई बनाएंगे, इस तरह से हम एक गहरी कटोरी बनाएंगे। हाथों पर हम तेल लगा लेंगे। देखिए हमने कटोरी बना ली है, अब बीच में हम स्टफिंग भरेंगे और इस तरह से हम सील करेंगे। पूरा अच्छे से पैक करना है और इस तरह से हम दबा देंगे। चकले पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे। और अब इसे हम बेलेंगे, पूरी जितना बेलेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। इसी तरह से हम सारे बेल कर तैयार करेंगे और तेल में तलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। मीडियम आंच पर हम अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। इस तरह से हम कलछी से दबाएंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। इस तरह से हल्के हाथों से दबाना है। देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है, सुनहरा हो गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे फ्राई करेंगे। लीजिए दोस्तों, राधा बल्लभी बनकर तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनी है। इस रेसिपी को आप किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।